हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल खान लर्निंग क्लास। मैं हूं अज़रा खान और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा वीडियो। इस वीडियो में आज हम सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश के बारे में कुछ बात करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप भी टेट और सीटेट एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। इंग्लिश प्लस पैडागोजी के सभी क्वेश्चन आज आपको इसमें मिलने वाले हैं, जो कि शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है। 30 क्वेश्चन आज इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। स्टूडेंट्स लर्निंग, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टूडेंट्स लर्निंग अ लैंग्वेज ऑफ लैक ऑफन लैक कॉन्फिडेंस व्हेन स्पीकिंग ड्यू टू द लैंग्वेज यूनिक प्रोनाउंसिएशन रूल्स। वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज स्टूडेंट्स लर्निंग, विद्यार्थी सीख रहे हैं। अ लैंग्वेज मतलब भाषा, ऑफन मतलब ये सीख रहे हैं या सीखते हैं, ऑफन मतलब अक्सर, लैक कॉन्फिडेंस अपने विश्वास के साथ, व्हेन स्पीकिंग जब वो बोलते हैं, ड्यू टू द लैंग्वेज भाषा को, यूनिक प्रोनाउंसिएशन से, यूनिक प्रोनाउंसिएशन मतलब उच्चारण के साथ, रूल्स वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, रूल्स मतलब ये नियम, वन वे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज, तो ये समस्या किससे रिलेटेड है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। चिल्ड्रन रीडिंग अलाउड इन क्लास, मतलब बच्चे जब क्लास में लाउड रीडिंग करें, तेज तेज पढ़ें, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज़ विच स्क्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम, मतलब इसमें बाय मिस्टेक एक ऑप्शन जो है वो गलत हो गया है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। थर्ड है, इसको सी मान सकते हैं आप, कम्युनिकेटिव मतलब जो है संचार के साधन जो होते हैं, कम्युनिकेशंस, कंडक्टिंग स्पेशल स्पीच थेरेपी विद अ काउंसलर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूजिंग गेम लाइक एक्टिविटीज विच रिक्वायर वर्बल इंटरेक्शन इन द क्लासरूम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटेम्पोररी लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ वेरिएड लैंग्वेज एंड लैंग्वेज एबिलिटीज, टीचर्स शुड रीस्ट्रक्चर्स देयर प्रैक्टिसेस बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू द कंटेम्पोररी टारगेट, मतलब विद्यार्थियों को एक टारगेट दिया जाता है, लैंग्वेज को, भाषा को टारगेट बनाया गया। क्लासरूम कक्ष में इज अ कन्फ्लुएंस ऑफ अ वेराइटी लैंग्वेज, जिसमें कई सारी भाषाएं सिखाई जाती हैं, तो लैंग्वेज एबिलिटीज ये क्या कहलाएगी, भाषाई योग्यता। टीचर्स शुड रीस्ट्रक्चर्स, विद्या जो शिक्षक हैं उन्हें तैयार करना चाहिए। रीस्ट्रक्चर्स मतलब एक ढांचा, जो सूत्र जिसके माध्यम से बच्चों को भाषा सिखानी है। देयर प्रैक्टिसेस, उनको अभ्यास करवाना है बाय एक्सपोजिंग स्टूडेंट्स टू, तो स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को आप कैसे एक्सपोज करेंगे। ऑप्शन ए, समराइज एंड सिंप्लीफाइड वर्जन्स of the learning materials, मतलब समराइज मतलब सारांश, एंड सिंप्लीफाइड मतलब सरल से सरल वर्जन्स, मतलब उनके जो प्रकार होते हैं, ऑफ द लर्निंग सिखाने के लिए मटेरियल्स मतलब जो सामग्री है वो, एग्जाम्पल स्टोरीज, ग्रामर, नोट्स एट्सेट्रा, ये आप ले सकते हैं। वर्कशीट विथ अ वैरायटी ऑफ टास्क विच ओवर द सिलेबस एंड स्टूडेंट्स गिव देयर रिस्पॉन्सेज इन क्लास अंडर द टीचर्स गाइडेंस, मतलब वर्कशीट भी आप यूज़ कर सकते हैं। With a variety of task with cover the syllabus and students give their responses, और ऑप्शन नंबर सी है, appropriated challenge based on the syllabus in a secure environment, opportunities for all students to explore ideas and gain mastery, मतलब appropriate मतलब जो उचित है, challenges मतलब चुनौतियाँ, best के आधार पर, on the syllabus किसके आधार पर, सिलेबस के आधार पर, इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट जो कि सुरक्षित हो वातावरण में, पर्यावरण में, अपॉर्चुनिटीज ऐसे अवसर फॉर ऑल स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को एक्सप्लोर आइडियाज एंड गेन मास्टरी, जो उन्हें खुले विचारों वाला बनाए और उससे वो कुछ बच्चे सीख सकें। सो नेक्स्ट है, एडिक्यूट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, मतलब बच्चे खुद से एक्सप्लेन करें रूल्स मतलब नियम, आइदर प्रिपेयर्ड बाय द टीचर और फ्रॉम मटेरियल राइटर। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, अप्रोप्रिएट चैलेंजेस, बच्चों को उचित चुनौतियां दें बेस्ड ऑन द सिलेबस, सिलेबस के आधार पर, इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, एक अच्छे से वातावरण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर स्टूडेंट्स टू गेन लैंग्वेज स्किल्स फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड फॉर स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों के लिए, टू गेन मतलब प्राप्त करना या कमाना लैंग्वेज स्किल्स भाषाई कौशल फ्रॉम टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक लर्निंग शुड, तो टेक्स्ट बुक्स जो होती है वो किस तरह से उससे सिखाना चाहिए। कोरिलेटेड विथ असेसमेंट एंड अचीवमेंट, कोरिलेटेड मतलब सहसंबंधित हो, विथ मतलब किसे, असेसमेंट जो बच्चों के पास दिए जाते हैं, एंड अचीवमेंट जो उपलब्धियाँ होती हैं, लीड टू यूजिंग द टेक्स्ट बुक स्पेरिंगली,
एक्सपोज दैम टू मोर लिटरेसी रीडिंग, मतलब उसको एक्सपोज करना मोर लिटरेसी, जो शिक्षित जो बच्चे हैं उनसे जो रिलेटेड जो हम उनको पढ़वा रहे हैं. बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव कंपेयर्ड टू टेक्नोलॉजिकली सपोर्टेड कोर्सेज. बिकम मोर कॉस्ट इफेक्टिव मतलब जो महंगे भी हों और इफेक्टिव भी हों, ठीक है ना. कंपेयर जिनकी तुलना की गई हो टू टेक्नोलॉजी तकनीकी सपोर्टेड कोर्सेज, जो कोर्स को सपोर्ट भी करते हों. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल टीचिंग हेयरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, जब हम टीचिंग करवा रहे होते हैं शिक्षण, हेयरिंग मतलब सुन रहे हैं इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स इन इंक्लूसिव क्लासेज, इट इज़ अनेसेसरी फॉर अ टीचर. तो टीचर के लिए क्या आवश्यक होगा, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग सिंग्स एंड नॉन वर्बल सिंग्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशंस, कंडक्ट रेगुलर स्पेशल क्लास फॉर सच स्टूडेंट्स, मतलब ये बच्चों के लिए एक विशेष क्लास नियमित रहेगी, बी इन कॉन्स्टेंट टच विथ द पेरेंट्स ऑफ सच स्टूडेंट्स, यूज क्यू कार्ड्स टू सिग्नल द टीचिंग कंटेंट. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइंस एंड नॉन वर्बल सिग्नल्स टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशंस. नेक्स्ट है, व्हाइल ट्रांसलेटिंग अ सब्जेक्ट एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम द बेनिफिट इज, व्हाइल ट्रांसलेटिंग मतलब ट्रांसलेट करने पर अ सब्जेक्ट एक विषय एंड यूजिंग द ट्रांसलेशन और उसका ट्रांसलेट करना अनुवाद करना इन द मेन स्ट्रीम करिकुलम जो पाठ्यक्रम का मुख्य हिस्सा है, द बेनिफिट इज इससे क्या लाभ है, प्रमोटिंग नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट किया जाता है मतलब राष्ट्रीय उनकी पहचान को, इनरिचिंग लिंग्विस्टिक कैपेबिलिटी एंड एप्रिसिएशन, इनेबलिंग टीचर्स हु आर नॉट कम्पिटेंट इन द मेन स्ट्रीम लैंग्वेज टू टेक क्लासेज, स्टैंडर्डाइजिंग कल्चरल आइडेंटिटी. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा इनरिचिंग लिंग्विस्टिक्स कैपेबिलिटी एंड अप्रिसिएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज आइटम्स शुड, सम क्राइटेरिया मतलब कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होते हैं फॉर द सिलेक्शन जिनके चुनाव के लिए, ऑफ लैंग्वेज भाषा के आइटम्स शुड जरूरी होने चाहिए, एनफ वर्कशीट फॉर प्रैक्टिस पर्याप्त वर्कशीट बच्चों को प्रैक्टिस के लिए भाषा सिखाने के लिए, एवरीडे वोकैबुलरी एंड सेंटेंसेस प्रतिदिन या हर रोज वोकैबुलरी सिखाएं बच्चों को, सेंटेंसेस याद करवाएं लिखवाएं, देयर लर्नेबिलिटी और उनकी जो सीखने की क्षमता है, कवरेज एंड टीच द एबिलिटी उनको वो भी सिखाएं, अ फोकस ऑन लैंग्वेज रूल्स. तो सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, देयर लर्नेबिलिटी कवरेज एंड टीच द एबिलिटी. नेक्स्ट है, अ पर्सन सिटिंग बिहाइंड यू, एक व्यक्ति आपके पीछे बैठा है, यू इन अ सिनेमा, सिनेमा हॉल में स्टार्ट्स टॉकिंग ऑन द मोबाइल, अब उसने बात करना शुरू किया किस पर, मोबाइल फोन पर, एंड यू वॉन्ट टू टेल हिम टू स्टॉप, तो आप उसे क्या रोकना चाहेंगे, चूज हाउ टू विल मेक द रिक्वेस्ट. तो इसमें से आप एक ऑप्शन चुन सकते हैं, जो ऑप्शन है कि आप उससे किस तरह से रिक्वेस्ट करेंगे. ऑप्शन वन मतलब ए, स्टॉप टॉकिंग सो लाउडली, मतलब आप उससे ज़ोर से कहेंगे स्टॉप टॉकिंग, बात करना बंद करो, तेज़ी से ऐसा कहेंगे, प्लीज़ डोंट यूज़ द मोबाइल फ़ोन इनसाइड द थिएटर, मतलब आप मोबाइल फ़ोन का यूज़ थिएटर में सिनेमा हॉल में ना करें, कांट यू नॉट यूज़ द मोबाइल फ़ोन प्लीज़, मतलब तुम यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं कर सकते, कुड यू पॉसिबली स्टॉप यूजिंग द मोबाइल फ़ोन हेयर, कुड यू पॉसिबली क्या संभव हो सकता है स्टॉप, मतलब क्या आपका ये संभव होगा कि आप अपने मोबाइल फ़ोन को स्टॉप करके यहाँ रख लें. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप किस तरह से करेंगे, ऑप्शन नंबर डी, मतलब पोलाइटली ही उससे बात करके उसको डिनाय कर देंगे, मतलब मना कर देंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ अ लेक्सिकल वर्ड, लेक्सिकल वर्ड्स क्या है, लव इज द माइट, सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ द लेक्सिकल वर्ड लव, ठीक है ना, जो स्नेह दर्शा रहा है. नेक्स्ट है, स्टूडेंट्स कैन लीव द स्कूल प्रेमिसेस एट 12:30 PM, स्टूडेंट्स कैन लीव मतलब छोड़ सकते हैं द स्कूल या छोड़ते हैं स्कूल्स मतलब अपने विद्यालय से छूटते हैं, प्रेमिसेस एट 12:30 PM मतलब 12:30 के समथिंग, स्टूडेंट्स ऑट टू तो विद्यार्थियों को चाहिए लीव द स्कूल प्रेमिसेस एट 12:30 PM, विद्यार्थियों को स्कूल इतने समय पर छोड़ना चाहिए. द टू गिवन स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंटिएटेड बाई ड्राइंग यू स्टूडेंट्स अटेंशन टू द, तो दो ऑप्शंस जो दिए गए हैं ऊपर, मतलब सॉरी दो जो सेंटेंसेस ऊपर स्टेटमेंट जो ऊपर दिए गए हैं डिफरेंटिएट, उसमें क्या अंतर है बाई ड्राइंग स्टूडेंट्स अटेंशन टू द,
सो ऑप्शन है डिफरेंसेस इन द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स मीनिंग कॉन्वेड बाय द मॉडल वर्ब्स मॉडिफायर्स द रोल्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस एब्सेंस ऑफ चेंज इन द वर्ब फॉर्म. सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मीनिंग कॉन्वेड बाय द मॉडल्स मतलब मॉडल वर्ब्स जो होते हैं मॉडिफायर्स जो उसको मॉडिफाई किया गया है. नेक्स्ट है आई सजेस्ट दैट वी ऑल वॉच द मूवी. आई सजेस्ट मैंने सलाह दी कि वी ऑल वॉच हम सभी को देखना है द मूवी टाइगर. इट हैज़ बीन सजेस्टेड दैट वी वॉच द मूवी टाइगर टुगेदर हम सभी को साथ में टाइगर मूवी देखना है. द टू गिवन स्टेटमेंट्स कैन बी डिफरेंटेड बाई ड्रॉइंग स्टूडेंट्स अटेंशन टू द. सो इस दोनों सेंटेंसेज में आपको कौन सा जो है वो करेक्ट लगता है. यूज ऑफ बाय इन द पैसिव फॉर्म है मतलब जिसमें बाय का यूज़ हुआ है उसमें पैसिव फॉर्म है. द अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स है मतलब शब्दों को व्यवस्थित रखा गया है. चेंज इन द वर्ब फॉर्म्स मतलब क्रिया रूपों का प्रयोग किया गया है बदला गया है. द रोल्स ऑफ द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट इन बोथ सेंटेंसेस मतलब इस पूरे जो सेंटेंसेस में रोल्स मतलब भूमिका है सब्जेक्ट मतलब कर्ता की एंड द ऑब्जेक्ट मतलब कर्म तो दोनों ही सेंटेंसेस में राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यूज ऑफ बाय इन द पैसिव फॉर्म. तो बाय का यूज जब किया गया है तो वो पैसिव फॉर्म में आता है. नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ रैपिड रीडिंग इज पर्पज मतलब उद्देश्य क्या है रैपिड रीडिंग का उद्देश्य क्या है. एक्सटेंडेड रीडिंग सीकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर इंटरेस्ट फॉर स्पेसिफिक डिटेल. सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी फॉर इंटरेस्ट केवल इंटरेस्ट के लिए हम रैपिड रीडिंग करते हैं. नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जेशन मतलब प्रोसेस मतलब प्रक्रिया वर्ड फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ क्या प्रक्रिया है इसकी वर्ड फॉर्मेशन की. कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जेशन मतलब मिश्रित वाक्य करना या फिर बातचीत करना. कन्वर्जन एंड मीनिंग स्पेलिंग एंड कंपाउंडिंग यूजिंग सिनोनिम और इक्विपमेंट्स. तो सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कंपाउंडिंग एंड कन्वर्जन. नेक्स्ट है नॉट मेकिंग इज डन टैकिंग इज डन क्या हो जाएगा मतलब इसका नॉट जो दिया है टैकिंग इज डन मतलब लिया जा चुका है. ड्यूरिंग एक्सटेंसिव रिफरेंस वर्क मतलब इसमें कोई रिफरेंस वर्क दिया गया है संदर्भ वर्क दिया गया है. वाइल राइटिंग एंड ऐसे जब कोई पत्र निबंध लिख रहा हो. ड्यूरिंग अ लेक्चर लेक्चर देने के दौरान भाषण देने के दौरान या स्पीच के दौरान. वाइल रीडिंग अ रिव्यू या फिर जब रिव्यू किया जा रहा है. सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूरिंग अ लेक्चर Not taking is done. Next है speaker one. Can I borrow your pencil please? क्या आप मुझे अपनी pencil उधार दे सकते हैं. Speaker two. Why not? क्यों नहीं. During this exchange, while assessing students' speaking listening skills marks would be deducted for. So during the exchange. मतलब इसके दौरान जो एक्सचेंज किया गया है वाल असेसिंग स्टूडेंट्स के द्वारा स्पीकिंग लिसनिंग जो बोल रहे हैं सुन रहे हैं लिसनिंग स्किल्स बोलने और सुनने के कौशल मार्क्स वुड बी डिडक्टेड फॉर. द फर्स्ट स्पीकर एज द क्वेश्चंस इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली मतलब पहला जो वक्ता है एज द क्वेश्चंस उसका जो प्रश्न है इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली वो बिल्कुल सही नहीं है. द सेकेंड स्पीकर एज द रिस्पॉन्स इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली सेकेंड स्पीकर जो है वो रिस्पॉन्स दे रहा है फ्रेम्ड जो इनकरेक्टली है. बोथ मतलब दोनों सिंस इट इज़ अ मीनिंगलेस एक्सचेंज कर रहे हैं उनका इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है. नाइदर मतलब ना तो एज द कंटेक्स्ट जस्टिफाई दिस एक्सचेंज मतलब ना तो ये जो कंटेस्ट है वो जस्टिफाई मतलब इसका कोई मतलब नहीं है. सो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए द फर्स्ट स्पीकर एज द क्वेश्चन इज फ्रेम्ड इनकरेक्टली. नेक्स्ट है वाइल राइटिंग वन ऑफ द कोहेसिव डिवाइसेस यूज इज एलिप्सिस प्रिपोजिशंस इमेजरी या कंटेंट वर्ड्स. राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इमेजरी. नेक्स्ट है इफ़ अ पीस ऑफ राइटिंग अ कम्प्लीट राइटिंग इज कम्प्लीट इफ़ अ पीस ऑफ राइटिंग इज कम्प्लीट मतलब राइटिंग इज कम्प्लीट मतलब पूरी जो लिखना है वो कम्प्लीट हो चुका है. इफ़ अ पीस ऑफ राइटिंग इज कम्प्लीट इन द थर्ड पर्सन इफ अ पीस यदि एक टुकड़ा ऑफ राइटिंग मतलब लिखने का इज कम्प्लीट होता है इन अ थर्ड पर्सन में विदाउट डिग्रेशंस एंड इमोशनल ओवरटोन्स एंड लॉजिकली अरेंज्ड इट इज अ क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट्स मतलब वर्गीकरण के तौर पर
प्रचार प्रसार करना, मेमोरेंडम, रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल के अकॉर्डिंग. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन के अनुसार. नेक्स्ट है, राहुल रिसीव्ड द फॉलोइंग टेलीग्राम. राहुल ने प्राप्त किया एक टेलीग्राम ऑन हिज बर्थडे, उसके जन्मदिन पर. राइट थ्री सेंटेंसेज अबाउट इट, द इनपुट इज गिवन. राइट थ्री सेंटेंसेज, उसमें क्या लिखे मतलब लिखना है, द थ्री सेंटेंसेज अबाउट उसके विषय में. इन द इनपुट इज गिवन मतलब जो उसके अंदर दिया गया. दिस राइटिंग टास्क रिक्वायर्स द, तो ये जो लिखना है ये किस प्रकार का टास्क है, ये क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, क्या रिक्वायर्स करता है. तो द नोइंग, अप्लाइंग है, क्रिएटिंग है या फिर एनालाइजिंग है. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, ये क्रिएटिंग है. मतलब उसके बर्थडे पर किसी ने उसको टेलीग्राम भेजा है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ क्रिएट कर कर ही भेजा होगा. नेक्स्ट है, यू हैव टू ब्रिंग योर ऑन स्टेशनरी. यू हैव टू ब्रिंग, ब्रिंग मतलब आप लाते हो. योर ऑन स्टेशनरी, अपनी स्टेशनरी से कुछ. यू विल नीड टू पेंसिल्स, आपको दो पेंसिल्स की ज़रूरत होगी. एंड इरेजर, एक इरेजर मतलब जो मिटाने वाली रबर होती है. एंड अ रूलर. द अंडरलाइन वर्ड इज, तो अंडरलाइन वर्ड क्या है जो सिंगल इनवर्टेड कोमा में दिया गया है. कंजक्शन से लेक्सिकली सिमिलर वर्ड है, सब्स्टिट्यूट वर्ड है या फ्रेंड्स वर्ड है. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर वर्ब बी, लेक्सिकली सिमिलर वर्ड है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ वर्ड इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ कंपाउंडिंग एंड एडफिक्सेस, अपोजिट्स एंड मीनिंग, वर्ब्स एंड नाउन्स मतलब क्रिया और संज्ञा, यूजिंग सिनोनिम्स और इपोमैनिम्स. सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, कंपाउंडिंग एंड एडफिक्सेस. नेक्स्ट है, व्हेन रीडिंग टू डिकोड मीन्स टू, एन एक्शन used in ICT, ICT जो कंप्यूटर एजुकेशन होती है. सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स पजल, जो पजल को हम सॉल्व करते हैं. द एनालाइज एंड अंडरस्टैंड, उसको एनालाइज करना और समझना. अंडरस्टैंडिंग अ फॉरेन लैंग्वेज या फिर फॉरेन लैंग्वेज, विदेशी भाषा को समझने के लिए. सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड मतलब एनालाइज करने के लिए और समझने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर वन, वी हैड एन एन्जॉयबल हॉलीडेज दिस विंटर. स्पीकर वन क्या कहता है, वी हैड एन एन्जॉयबल हॉलीडे दिस विंटर मतलब मैं सर्दियों के मौसम में हॉलीडे एन्जॉय कर चुका हूँ. स्पीकर टू, वेयर डिड यू गो मतलब तुम कहाँ गए थे. वेयर, स्पीकर वन वेयर कहाँ. स्पीकर टू, यस विच प्लेस डिड यू विजिट मतलब हाँ तुमने वहाँ पर कौन सा प्लेस देखा, कौन सा स्थान देखा. ड्यूरिंग द असेसमेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स, इस असेसमेंट्स में इस विद्यार्थी जो हैं स्पीकिंग लिसनिंग स्किल्स मार्क्स वुड बी डिडक्टेड ड्यूरिंग द एक्सचेंज फॉर, क्या किया जा रहा है. स्पीकर वन, स्पीकर टू, बोथ या फिर नाइदर. तो लिसनिंग स्किल्स और इसमें क्या हो रहा है मतलब दोनों कर रहे हैं या फिर स्पीकर वन कर रहा है या स्पीकर टू या फिर कोई भी नहीं. तो ऑप्शन ए मतलब स्पीकर वन, वी हैड एन एन्जॉयबल हॉलीडेज दिस विंटर. और वेयर मतलब कहाँ. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल सॉरी पॉलिटिशियंस हैड बीन मेकिंग प्रोमिसेस लॉन्ग बिफोर इलेक्शन टाइम. पॉलिटिशियंस जो होते हैं, नेता जो होते हैं, हैड बीन मेकिंग प्रोमिसेस, वो बहुत सारे वादे करते हैं लॉन्ग बिफोर इलेक्शंस, बहुत लंबे लंबे बातें करते हैं. बिफोर इलेक्शन टाइम, जब इलेक्शन का टाइम होता है और उससे पहले. द स्टेटमेंट इज इन द ब्लैंक टेंस. सो पास्ट कंटिन्यूस का है, प्रेजेंट परफेक्ट का है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का है, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का. तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से, तो हैड बीन मेकिंग, तो हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट की. बीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में लगाया जाता है. आईएनजी देखकर आप समझ जाएंगे, मेकिंग मतलब तीनों ही चीज़ों को देखकर आप समझ रहे हैं. हैड बीन मेकिंग, तो किसका है ये, बिफोर आ रहा है इसमें, सिंस प्लस इलेक्शन टाइम. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का ये टेंस है. सो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन है. नेक्स्ट है, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज. जेंडर जो होता है, सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज. चिल्ड्रन शुड बी डिफरेंटिएट एज बॉय एज गर्ल्स मतलब विद्यार्थी जो बच्चे जो हों, बच्चों को चाहिए कि डिफरेंटिएट्स मतलब अंतर, एज बॉय एज गर्ल्स मतलब लड़कियों लड़कियों में अंतर करना चाहिए. सेक्स एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स ऑनवर्ड्स
प्राइमरी स्तर से ही बच्चों को सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए, यौन शिक्षा देनी चाहिए। रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स, इसमें रोल की इसकी जेंडर रोल्स मतलब उसको परिभाषित करना चाहिए, अप्रोच उपागम में लेना चाहिए आदर्शपूर्वक। प्रमोट को एजुकेशन सह शिक्षा इन हाई स्कूल, मतलब उनको प्रमोट कर दिया जाना चाहिए को एजुकेशन सह शिक्षा इन हाई स्कूल, हाई स्कूल में उन्हें ये शिक्षा देनी चाहिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड्स डिफाइनिंग जेंडर रोल्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई वेयर द कलेक्टिव फॉर्म्स इन इज एन एरर। आइडेंटिफाई मतलब आपको पहचानना है वेयर द कलेक्टिव फॉर्म इज एन एरर। ए हॉस्ट ऑफ एंगल्स, कांग्रेस ऑफ बैबून्स, क्लच ऑफ डक्स, शॉल ऑफ फिश। सो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्लच ऑफ डक्स। तो इसमें कलेक्टिव फॉर्म किस में, क्लच मतलब दोनों में समूह बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लर्नर्स कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश विल इम्प्रूव वैन शी ही रिसीव्स और लर्निंग एक्सपीरियंसिस या एक्सपीरियंस दैट इज अप्रोप्रिएट। अ लर्नर्स मतलब शिक्षार्थियों के कॉम्पिटेंस इन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए विल इम्प्रूव जो सुधारने के लिए होंगे वैन जब शी ही रिसीव वे प्राप्त कर रहे होते हैं और लर्निंग शिक्षार्थी मतलब शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं एक्सपीरियंस उनके अनुभव दैट इज अप्रोप्रिएट तो उसके लिए क्या उचित है। एन इक्वल लेवल समान स्तर, स्लाइटली हायर लेवल मतलब कुछ हाई उच्च स्तर, अ रेंज ऑफ लेवल्स मतलब माध्यमिक स्तर, अ स्लाइटली ईजियर लोअर लेवल मतलब बहुत सरल निचला स्तर। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्लाइटली हायर लेवल। नेक्स्ट है अ कंपनी लेबल्स इट्स फ्रोजन स्नैक्स 75% फैट फ्री rather than contents 25% fat so that people will view them more positively. This is an example of a मतलब a company, एक जो company है वो labels it frozen snacks देती है 75% fat मतलब उसमें जो fat होता है free rather than contents 25% fat so that जिससे कि people will view them more positively. This is an example of a prototype है, phoneme है, subjective utility है या semantic slanting है। तो slanting है मतलब semantic slanting है। So right answer होगा इसका option number D, semantic slanting है। Next है which observation supports no Chomsky's ideas? Chomsky के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है CDP में। Which observation, कौन सा observation है supports no Chomsky's, जो चोमस्की नहीं करते आइडियाज़ अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। चिल्ड्रंस लैंग्वेज डेवलपमेंट फॉलोज अ सिमिलर पैटर्न अक्रॉस कल्चर्स। चिल्ड्रंस की बच्चों की जो भाषा होती है उनका जो विकास होता है फॉलोज मतलब अनुसरण करता है अ सिमिलर पैटर्न एक सामान्य स्तर पर सामान्य तरीके पर अक्रॉस कल्चरल्स मतलब उनकी संस्कृति के पार जाकर। द स्टेट्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑकर एट अबाउट द सेम एज इन मोस्ट चिल्ड्रन। चिल्ड्रन एक्वायर लैंग्वेज क्विकली एंड effortlessly मतलब बच्चे उसको क्विकली मतलब तेजी से सीखते हैं ऑल ऑफ दीज ये सभी। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज तो इसमें ये सभी शामिल होंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिस्टम ऑफ रूल्स, नियमों की प्रणाली क्या है दैट गवर्न्स हाउ वर्ड्स कैन बी मीनिंगफुली अरेंज्ड टू फॉर्म फ्रेजेज एंड सेंटेंसेज। What is the system of rules? मतलब नियमों की जो प्रणाली है that governs सरकार की according how words उसमें जो शब्द हैं can be meaningfully जो शब्द अर्थपूर्ण हैं arranged करना है to form phrases and sentences तो वो क्या होंगे, language होगा, syntax होंगे, morpheme होंगे या phonemes होंगे। So right answer होगा वो होंगे syntax words होंगे। Next है A 12-year-old child, एक 12 वर्षीय बच्चा enjoys using puns, मतलब अपने ही धुन में मस्त रहता है। This enjoyment indicates that she has semantic slanting, deductive reasoning है, mental blocks है या फिर mental linguistics awareness है उसमें। So right answer क्या होगा, उसमें mental linguistic awareness है, मतलब मानसिक रूप से ही उसमें बच्चे में जागरूकता। हे नेक्स्ट है आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, डिड यू रियली ब्लैंक द मनी यस्टरडे। डिड यू रियली
क्या तुम्हें वास्तव में, क्या तुमने वास्तव में ब्लैंक द मनी यस्टरडे नीड 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 या नीडेड. सो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, मतलब डिड यू रियली नीड द मनी यस्टरडे, क्या सचमुच तुम्हें कल पैसों की ज़रूरत थी. सो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा. सो ये थी हमारी आज की वीडियो. आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आप हमारी कोई भी लेटेस्ट अपलोड मिस ना करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सी यू अगेन विद द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच वंस अगेन.